अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे लबा के कलम से। मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा कि ना मैं आज ब्लॉग इस बना ही लेती हूँ। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर मैं आयजा को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आयजा को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट में काम था, मैंने वो किया और उसके बाद घर आए तो डिनर का टाइम हो चुका था। तो डिनर में मैंने आज बनाए थे चपली कबाब और साथ में चिकन स्टिक बनाई थी। और यहाँ पर गरम गरम पराठे बन रहे थे। और एक तो रोज़ रोज़ किसके साथ की प्रॉब्लम रहती है खाने का, कुछ समझ नहीं आता कि हम रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो बस मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा मसला चल रहा था कि मैं रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। बहरहाल आज मैंने सोचा यही बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और आजकल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों, टाइम नहीं मिलता, क्या मसला है, दिल नहीं लग रहा, पता नहीं। उसके नेक्स्ट डे ना ऐसे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इसके पेट पे इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से इसको वॉमिटिंग हो ही जा रही थी बार बार, और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो बस हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ इसकी ड्रिप वगैरह लगी, इंजेक्शन लगा, उसके बाद माशाल्लाह ठीक हो गई थी। और ये सुबह का टाइम है, सुबह 7 बजे मैं इसको लेके गई थी इमरजेंसी में। तो बस यहाँ पर ये डर रही थी, पर मैंने इसका सर उधर करके मैंने इसको हिम्मत दे रही थी कि कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। और उसके ये नेक्स्ट डे उसकी बर्थडे थी, तो उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने बनाया था। और इसकी पुप्पी वगैरह आई हुई थी, चाचू वगैरह आए हुए थे। तो बस, और आप लोग सोचेंगे कि इसकी पुप्पी और चाचू तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, तो मैं आप लोग को ये क्लियर करती चलूँ कि वो लोग आए हुए थे उम्रे पे, तो इसीलिए बस वो यहीं पर थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, हमेशा वो ननियाल के साथ तो बनाती ही अपनी बर्थडे, इस दफ़ा ददियाल के साथ मैं उसकी बर्थडे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बारिश हो रही थी, फिर आयजा ये नीचे चली गई थी थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए। और वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ ठंड नहीं है, बस ये कि थोड़ा मौसम सही है, अच्छा है, ठंडा ठंडा है, गर्मी नहीं है। जो जिस तरह यहाँ इतनी गर्मी जो पड़ती है ना, वो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर देना।